अयोध्या और दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों को फिर से दहलाने की साजिश फैली हुई है। देश की खुफिया एजेंसियां ने जिस आईएसआईएस मॉड्यूल का चैप्टर क्लोज किया है वो आपराधिक हिस्ट्री तैयार कर आतंकियों को एक खास शक्ल देने की कोशिश कर रहा था, यानी हमला हो तब ये ना लगे कि ये आतंकी वारदात है। तीनों आतंकियों ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं जिसमें सबसे खौफनाक साजिश रची गई थी अयोध्या को लेकर। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या पर टेरर अटैक की साजिश फेल। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। 26/11 जैसे हमले की साजिश नाकाम। आतंक के इंजीनियर्स का चैप्टर क्लोज। मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। अयोध्या, दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहरों को दहलाने का खौफनाक प्लान जिसे नाकाम किया है देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। 2 महीने से ज्यादा समय तक निगरानी, उत्तर भारत में 200 जगहों पर छापेमारी और 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी। मोहम्मद शाहनवाज दिल्ली के जैतपुर से, मोहम्मद अरशद वारसी मुरादाबाद से और मोहम्मद रिजवान को लखनऊ से पकड़ा गया है। मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां से मोहम्मद रिजवान अशरफ को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको सीधे वो स्पॉट दिखाता हूं, आप देखिए ये वही स्पॉट है, प्लॉट नंबर 99 हरी सिंह फार्म हाउस के इलाके से गिरफ्तार किया गया है मोहम्मद रिजवान अशरफ को। इन सभी संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन ISI से प्रेरित मॉड्यूल से है जो खौफ का कारोबार करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक ऐसा ऑडियो भी लगा है जिसने आतंकी साजिश के पोल खोल दिए। मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में जाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भाई असलहा के हुसूल के लिए मुकामी स्मगलर्स और डीलर से राबिता करते हैं, ये जाने बगैर कि असलहा के जो डीलर हैं वो दोहरे एजेंट होते हैं। एक तरफ वो असलहा का कारोबार करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मकबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस मद में हम अच्छी तरह तहकीक और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें, ना ही हम दुश्मन को कमज़ोर समझें। जहाँ तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक है तो ऐसी गलतियाँ जिसे हम बार बार दोहराते हैं। ये मॉड्यूल फुल प्रूफ तैयारी कर चुका था। त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर और अयोध्या में बड़ा विस्फोट करने की साजिश रच रहा था। ये साजिश फाइनल स्टेज में थी। मोहम्मद रिजवान अशरफ है, इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। इनके ठिकानों पर रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इन्होंने रेकी करी वेस्टर्न घाट्स में, इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। यानी मुंबई पर हुए 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश आखिरी चरण में थी। ठीक वक्त पर अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इन संदिग्धों को गिरफ्तार न करती
तो पाकिस्तान में बैठे इनके आका अपने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ISI का ये आतंकी मॉड्यूल एक खास पैटर्न पर काम करता था। इसके लिए ऐसे लड़कों को चुना गया जिनका आपराधिक बैकग्राउंड हो, कोई छोटा मोटा चोर था तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला, ताकि ये सभी आतंकी ना लगकर अपराधी लगे और पुलिस उन तक पहुंचे भी तो अपराधी समझकर छोटी मोटी कार्रवाई के बाद छोड़ दे। तमाम मंदिरों से लेकर VIP नेताओं तक की लिस्ट इन लोगों ने तैयार कर रखी थी, लेकिन नापाक मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल को पकड़ लेती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी संगठन ISIS की एक खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का तमगा ले चुके ISIS के गुर्गों ने भारत की राजधानी दिल्ली को लहूलुहान करने की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस ने खौफनाक साजिश को नाकाम कर दिया। साथ ही ISIS के जिहाद के उस नए मॉडल का खुलासा किया जो बहुत ही खतरनाक है। ISIS का पहला मॉड्यूल, आतंकियों को अपराधी दिखाना। ISIS के इस मॉडल का मकसद था कि आतंकियों को अपराधियों की तरह पेश किया जाए और उसके लिए एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी तैयार करने की योजना थी। ISIS का दूसरा मॉड्यूल, लोकल लोगों का ब्रेन वॉश करना। ISIS के इस मॉडल का मकसद था कि लोकल लोगों को ही अपराधी की तरह पेश करना, लिहाजा दिल्ली UP जैसे राज्यों से ऐसे युवकों को टारगेट किया गया जो ISIS से प्रभावित थे। ISIS का तीसरा मॉड्यूल, चोरी और डकैती से फंड इकट्ठा करना। ISIS ने इस मॉड्यूल के तहत आतंकियों को चोरी और डकैती करके पैसा इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी। इसी के तहत पुणे में शहनवाज मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। ISIS का चौथा मॉड्यूल, फंड से बम बनाना और हमला करना। ISIS का चौथा और खतरनाक मॉड्यूल था चोरी और डकैती से इकट्ठा किए गए फंड से बम बनाना और खतरनाक वारदात को अंजाम देना। शहनवाज उन्हीं पैसों से IED बनाने और IED से ब्लास्ट करने की तैयारी कर चुका था। ISIS का पांचवा मॉड्यूल, आतंकी हमले को आपराधिक वारदात दिखाना। ISIS आतंकी हमले को आपराधिक वारदात दिखाना चाहता है, जैसे मुंबई के खबाद हाउस को निशाना बनाना, कुछ राजनीतिक लोगों पर हमला करना और अयोध्या में भी मंदिर में वारदात को ऐसे अंजाम देना था कि वो एक क्रिमिनल एक्ट लगे, यानी एक आपराधिक वारदात लगे। फिलहाल आतंकी शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद आतंकी आका की दिल्ली को दहलाने की साजिश पर पानी फिर गया है। बता दें, शहनवाज ISIS के पुणे मॉड्यूल का गुर्गा है और NIA ने इसके सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। स्पेशल सेल ने शहनवाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कुल 3 में से 2 संदिग्ध आतंकी यूपी से पकड़े गए हैं, जबकि 1 दिल्ली से। कोई इंजीनियर है तो कोई दहशतगर्दी में मास्टरमाइंड। जब एजेंसियां इन आतंकियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि इन आतंकियों ने IED बनाने की ट्रेनिंग ली थी।
गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज ने खानन से, रिजवान ने कंप्यूटर साइंस और अरशद बारसी ने मैकेनिकल से बीटेक किया। इंटरनेट से केमिकल बम बनाने का तरीका सीखा और देश को दहलाने की प्लानिंग के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके थे ये संदिग्ध। आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आतंकी शहनवाज बड़े की तैयारी में था और इसके लिए वो लगातार सक्रिय था। आतंकियों ने लवासा, महाबलेश्वर, गोवा, हुबली, कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में रेकी की थी। मुंबई और गुजरात में वीआईपी नेता भी उसके निशाने पर थे। इसके लिए शहनवाज ने नेताओं के रूट की जानकारी जुटाई थी। शहनवाज और उसके साथियों का गांधीनगर, अहमदाबाद में आईईडी लगाने का प्लान था। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के नक्शे से भी जानकारी हासिल की थी ताकि राजस्थान में आईईडी टेस्टिंग प्वाइंट बना सके। सूत्रों के हवाले से दावा यह भी किया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में आईईडी टेस्ट किए थे और दिसंबर 2022 से दिल्ली में रहकर हमले के लिए आईईडी बनाने का काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हुए बम धमाके के मास्टरमाइंड फरहत उल्ला गोरी और उसके दामाद शाहिद ने आईएसआईएस के इस नए मॉड्यूल को तैयार करने में मदद की।